अमृतपाल सिंह नु लेके नेपाल च हाई अलर्ट जारी हो गया है। नेपाल पुलिस अमृतपाल नु लब्भण च जुट गई है। सारे डोमेस्टिक ते इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इमिग्रेशन नु अलर्ट कर दिता गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल सरकार नु चिट्ठी लिखते हुए कहा कि भारत दे भगौड़े अमृतपाल दे नेपाल च लुके होण ते उस दे हुलिया बदल के विदेश भजण दा खदशा है। दूतावास ने नेपाल दे सुरक्षा कर्मियां नु अमृतपाल दीआं वख-वख तस्वीरां भी सांझियां कीतियां ने। जानकारी मुताबक सूचना सी कि अमृतपाल नेपाल भज सकदा है, उस दे उत्तराखंड या यूपी तो नेपाल भजण दा खदशा सी। इस नु लैके दोवां सूबिआं दे इंटरनेशनल बॉर्डर ते सख्त पहरेदारी भी बिठा दित्ती गई सी, पर जानकारी मुताबक ओह सब नु चकमा दिंदे होए नेपाल फरार हो गया है। दूतावास से चिट्ठी च लिखिया है कि अपने पासपोर्ट या किसी फर्जी पासपोर्ट से सफर कर सकता है। अमृतपाल दे नेपाल तो दुबई, कतर, सिंगापुर, बैंकॉक भजन की योजना होने की जानकारी तो बाद इन्हां सारे थावां ते जाण वाले जहाज के यात्रियों की सख्त चेकिंग की जा रही है। भारतीय खुफिया विभाग नूं खदशा है कि अमृतपाल नेपाल च पाकिस्तानी दूतावास के सहयोग नाल फर्जी पासपोर्ट के सारे भजन की कोशिश करेगा। भारत सरकार वालों अधिकारिक जानकारी दिते जान तो बाद पूरे नेपाल च हाई अलर्ट ऐलान दिता गया है। भारत नाल लगदिया सारिया सरहदा ते जांच प्रक्रिया सख्त कर दिती गई है। शकिया ते विशेष नजर रखी जा रही है। भारत तो आउण जाण वाले लोकां दी आईडी दी जांच कीती जा रही है। खदशे दे आधार ते नेपाल दे अंदर कई थावां ते दबिश भी दिती जा रही है। नेपाल दे सारे होटल्स, गेस्ट हाउस ते लाउंज अमृतपाल दे फोटो सर्कुलेट कर दिते गए ने। 18 मार्च नूं पंजाब पुलिस ने अमृतपाल नूं फड़न लई ऑपरेशन अमृतपाल चलाया सी। अमृतपाल दे कई साथी पंजाब पुलिस दी गिरफ्त च ने। कईआं नूं असाम दे दिब्रूगढ़ जेल भेजिया गया है, कईआं ते NSA लगाया गया है, पर अजे तक अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस दी गिरफ्त तो काफी दूर नजर आ रहा है ते हुण मीडिया रिपोर्ट्स मुताबक ओह नेपाल भज गया है।